छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे टारगेट पे गवाह अक्षय को कब मिलेगा इंसाफ। जी हां, अक्षय हत्याकांड के मूक गवाहों को डराने के लिए बदमाशों ने मंगलवार को हवाई फायरिंग कर दी। इसमें किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव के रिश्ते में नातिन अक्षय यादव की 10 जुलाई 2023 को हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में दो मूक गवाह हैं, करुणा शर्मा और उनकी बेटी सोनाक्षी शर्मा। मंगलवार को ग्वालियर में जब दोनों एक्टिवा से स्कूल जा रही थी तो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर हवाई फायरिंग कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू तो कर दी, लेकिन गोली किसने चलाई अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि बाल सुधार गृह से फरार हुआ अक्षरा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह के रिश्ते में नातिन थी। अब बड़ा सवाल ये है कि इस साल 25 जनवरी को ग्वालियर चाइल्ड केयर होम से 6 नाबालिग फरार हो गए। इनमें से 3 अक्षय यादव हत्याकांड के आरोपी थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, हालांकि पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इसके उलट अक्षय हत्याकांड के गवाहों पर फायरिंग कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस। यही वो जगह है जहां सुबह 9:15 बजे के आसपास गोलीकांड हुआ है। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है और दहशत फैलाने वाली है, क्योंकि इसका संबंध अक्षय हत्याकांड से है। अक्षय मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी की नातिन थी और उसकी 10 जुलाई को कोचिंग से आते समय हत्या कर दी गई थी। उसके साथ जो छात्रा बैठी थी उसकी माँ पर आज फायरिंग हुई है। माँ करुणा शर्मा इधर सामने रहती हैं पास में, और वहाँ से जो है स्कूल जाने के लिए अपनी एक्टिवा से यहाँ निकली थी, और जब स्कूल से पहुँचने के पहले ही अचानक लोग आते हैं जी हम बताएंगे है ना, तो तब जो है उन पर फायरिंग की गई और इसके बाद यहाँ पूरे दहशत का माहौल बना। और हमने देखा कि वो ये जो अब उसके बाद से यहाँ पूरा पुलिस का अमला यहाँ खड़ा हुआ है, और इसके बाद से अभी तक हालांकि आरोपियों का कोई पता नहीं चल रहा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, नाबालिग हैं, और नाबालिग 3 आरोपी पिछली 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। हम जानते हैं एडिशनल एसपी सी जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ खड़े हुए हैं, क्या घटनाक्रम है सर? सर अभी तक क्या घटनाक्रम रहा, क्या कैसे निकल गया? आज सुबह ये जो पूर्व में हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य गवाह हैं। उसके साथ में कुछ लोगों के द्वारा गवाही से पलटने के लिए, राजीनामा का दबाव बनाने के लिए, जो उनको धमकाने के लिए फायरिंग की घटना सामने आई। मौके पर हम अभी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी फुटेज हैं उनका आने जाने का क्या रास्ता रहा, कौन लड़के थे, उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा थाने पहुंचकर एक FIR भी पंजीबद्ध कराई जा रही है। FIR नामजद है सर? नहीं, अभी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कौन लड़के थे जिन्होंने आके उनको धमकाया है और यहाँ पे फायरिंग की है, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी पता लगा पाए। आरोपी कितने थे और किससे आए थे? दो लड़के उनके द्वारा बताए गए हैं, वो बाइक से आना बताया गया है, और पूरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन लड़के थे। अभी अज्ञात के विरुद्ध है। तो अभी कुछ कार्टेज वगैरह बरामद हुए क्या? अभी एक 315 बोर का कट्टे से चलना बताया है, एक राउंड मिला है हमको खाली कार्टेज, और कुल 2 राउंड फायर होना उनके द्वारा बताया जा रहा है, और अभी कौन लड़के थे फुटेज के आधार पर हम। तो आरोपी किधर से आए थे और किधर भागे, कुछ ऐसा अभी पता चला? पूरा हम घटना का रिक्रिएशन कर रहे हैं मौके पर ही, और उनके भी हम विस्तृत बयान लेंगे। अभी उनके द्वारा थाने पहुंचकर FIR कराई जा रही है। तो ये थे अधिकारी जादौन साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जांच चल रही है। अभी देखिए अब ये सर्चिंग चल रही है, इस पूरे FSL की टीम लगी हुई है और ये सर्चिंग कर रही है। ये देखिए कार्टेज तलाशे जा रहे हैं कि अगर यहाँ कोई कार्टेज पड़ा हो खाली गोली चलाने वाला, इधर अगर इन्होंने पीछे से भी कोई कुछ किया हो, तो ये सारी बातचीत जो है घटनाक्रम चल रहा है। हम अभी अभी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि
जैसे ही फुटेज मिलेंगे वो करेंगे, लेकिन पुलिस की लगभग एक दर्जन टीमें अलग अलग इलाकों के लिए पहुंच चुकी है। तो इस तरह से यहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस यहां तैनात है। अभी तक कोई सुराग लगा नहीं है आरोपियों का, लेकिन माना जा रहा है कि जो अक्षय हत्याकांड के फरार आरोपी हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। देव श्रीमाली, NDTV ग्वालियर। देखिए भी उन्होंने घर पे गार्ड लगाए हुए हैं और बाकी बस आज का इंसिडेंट सिर्फ इतना था कि डेली की तरह मैं स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते में रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति थे जिनने मेरा रास्ता रोका, एक व्यक्ति ने, और धमकी देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर दिया मेरे ऊपर। गवाही नहीं होनी चाहिए, बदल देनी चाहिए, और गवाह बदलने के लिए साथ में आपत्ति ना लगाने के लिए। और ये हम लोग आपत्ति लगा देते हैं, वो लोग जब अपनी बेल लगाते हैं तो हम लोग उनको कैंसिल करा देते हैं। मेरे आने से 2 मिनट पहले यहाँ मालूम पड़ा जो शैलेंद्र सिंह यादव हैं हमारे मित्र, उनकी बच्ची के साथ में विगत कुछ महीनों पूर्व उसकी बच्ची की बेटी बचाओ तिराए पे हत्या कर दी गई थी अपराधियों द्वारा। तो उस संबंध में ये माँ बेटी अपने स्कूल दिनचर्या कार के अनुसार स्कूल जा रही थी तो इन पे अपराधियों ने फायर किया। ये घटनाक्रम ऐसा है कि आज सुबह मॉर्निंग में जो मैडम है वो स्कूल के लिए अपना जो रूटीन पे जाती हैं, निकलती हैं ऑफिस इसके लिए, तो रास्ते में उनको कोई दो लड़कों ने बीच में, जो कि अच्छा हत्याकांड में मुख्य गवाह की माँ हैं और मुख्य गवाह भी अभी घर में ही, घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ दो लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बीच रास्ते में इनको रोका और बता रही हैं कि कट्टे से 2 राउंड इनके ऊपर में फायर किए, मारने के मकसद से थे या डराने के मकसद से थे। मेन उद्देश्य यही है कि ये गवाह ना लगे, जैसे कि जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनकी जो है जमानतें हो जाएं और वो सब बाहर आ जाए परी हो गए। इसमें जो हमारी फरियादियाँ हैं, इनका स्कूल जाती हैं ये, तो स्कूल पर जा रही थी स्कूटी से। इनका बताना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे जिन्होंने स्कूल को रोका और कहा कि आप अपनी गवाही नहीं बदल रहे हो नहीं तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, उनको दबाव बनाया और नहीं तो फिर आपको भी जान से मार देंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और इनका कहना है कि उसने 2 फायर भी किए हैं, तो हमने इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करें 307 का और इनकी तलाशी के लिए टीमें लगाई हैं। देखिए अभी पहचान तो एग्जिट नहीं कर पा रही हैं, उसका चेहरा बंधा हुआ था और जो आप बता रहे हैं एक्चुअली में 3 लोग फरार हुए थे, इनमें से एक को पकड़ लिया था, बाकी लोगों के लिए भी टीमें लगी हैं। हम सारे एंगल्स देखेंगे, वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि बेसिकली ये गवाही देने से धमकाने के लिए ये सारा कांड किया गया है। तो आपने पूरी बातें सुनी, देव श्रीमाली जी ने पूरा वहाँ से वारदात जहाँ पर हुई थी वहाँ से रिपोर्ट भेजी और आपने ढेर सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, अरविंद खरे साहब हैं, रिटायर्ड DSP हैं, फिरोज सिद्दीकी हैं कांग्रेस से और राजेंद्र भारती जी हैं BJP से। खरे सर, आपसे पहले जानना चाहूँगा, ये सनसनीखेज मामला था और अभी तक जिस ढंग से आज जो वारदात को अंजाम दिया गया ये एक सीरियस सवाल खड़े करता है अपने आप में। नहीं, पुलिस की सामान्य गतिविधियां क्या होती है, जैसे आज का जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जो पुलिस की फॉर्मेलिटी हुई वो कंप्लीट हो गई। इसके साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए जो आगे SP हैं राजेश सिंह चंदेल, मध्य प्रदेश के माने हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट और दबंग पुलिस अधीक्षक रहे हैं वो। जब उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में केस टेस्ट हो जाएगा, एकदम क्या है, घटना सुबह हुई, शाम तक हम अपेक्षा कर रहे पुलिस विभाग से कि बदमाशों को पकड़ ले, मेरे को नहीं लगता ये व्यवहारिक है, थोड़ा समय चाहिए पुलिस विभाग को, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आप अच्छी समाचार सुनोगे, केस टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस मामले को एक यदि बैकग्राउंड को देखें तो ये इस मामले में काफी इम्पोर्टेंट है कि एक ये केस भी देखा जाए तो पुलिस महकमे से ही जुड़ा हुआ है सर। नहीं, वो मैं आपसे सहमत, 25 तारीख को जो जेल से नावाले ग्रह से फरार हुए थे बदमाश, उनको पकड़ने के प्रयास सार्थक नहीं हुए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है शहर में। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसके जो मुलजिम है किसी ने नाम बताया नहीं, साक्षी की माँ करुणा शर्मा ने नाम नहीं बताया,
उसको पुलिस क्या है कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ पुलिस की गोपनीय टेक्निक होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, पुलिस अपने हिसाब से उसको पकड़ लेगी। लेकिन खरे सर, ये जो नाबालिगों के साथ डील करने का क्या है, मतलब ना अपराध करते हैं, फिर वो सुधार बाल सुधार गिरी चले जाते हैं, फिर फरार हो जाते हैं, फिर मतलब इनके दिमाग में कहाँ से आता है? क्या आपको लगता है कि जो बाल सुधार गिरी है वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है क्रिमिनल्स का? नहीं, इससे तो मैं सहमत हूँ। वहाँ जितना ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। सरकार उसके बारे में व्यवस्था कर रही है, वहाँ पर मनोचिकित्सक जाते हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग जाते हैं, लेकिन कुछ इस संबंध में इसलिए कुछ नहीं कह सकता। कुछ इनबिल्ट डीएनए किसी का होता है खराब। अपराधी समाज के होते हैं, अपराधी जात के होते हैं। इसमें जो लड़का है मुरैना का, उसके बारे में ऐसा मालूम पड़ा, वो बचपन से ही थोड़ा सा बदमाश टाइप का था। तो ये लोग क्या है, बाल सुधार गृह में रखे चाहे मुख्य जेल में रखे, ये अपराध से बाज नहीं आते। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जो ग्वालियर की पुलिस है, इसका शानदार इतिहास है मध्य प्रदेश में, और इस टाइप के बदमाश मेरे को ही ना, ग्वालियर पुलिस का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% इस टाइप के केस बहुत जल्दी सॉल्व करती है। नहीं, मेरा कोई ग्वालियर के पुलिस पे टिप्पणी नहीं है मेरा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको आप जेल में भी नहीं रख सकते, वो फिर सुधार गृह में रहते हैं और फिर वो ट्रेंड होते ही रहते हैं, मतलब क्रिमिनल, मतलब कोई क्या कुछ केसेज आपने देखे हैं जो कि वापस जो है मुख्य धारा में चले गए हों? मुझे लगता है अधिकतर जो है और बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। नहीं, इसमें 50% मानिए इसका आंकड़ा, 50% सुधर के बाहर आ जाते हैं और अच्छी जीवन जीते हैं। 50% को सही ढंग से उनको नहीं मिल पाता संरक्षण या ज्ञान, या वहाँ की काउंसलिंग उनकी नहीं हो पाती, तो वो बिगड़ जाते हैं। अब हम ये 100% ये नहीं मान सकते, बाल सुधार गृह से आदमी बदमाश बन के ही निकलते हैं। जी सर, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे पास हैं। सिद्दीकी जी, क्या कहना चाहेंगे आप ये जो डराने धमकाने की बात हो रही है? मुख्य गवाह को ही डरा धमका दो, फिर आपको बेल मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में बुरे हाल हैं कानून व्यवस्था के। मध्य प्रदेश जो है, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दें, तो अग्रणी राज्यों में है मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है। अग्रणी राज्यों में है कि बालिकाएं जो है, खासतौर पे आदिवासी इलाकों में, वो जो है वहां किडनैप हुई हैं और है ना दूसरे राज्यों में पकड़ाई, और बहुत सारी बच्चियों को तो पकड़ भी नहीं पाए। ये आंकड़ा है 67,000। एक हत्या होती है दिन दहाड़े, ये हत्या हुई थी शाम के, जब बहुत एक पीक आवर्स होते हैं, 7 से 8 के दरमियान का वो समय था जब ये हत्या की गई थी, जो मुझे याद आ रहा है, अक्षय हत्याकांड जो हुआ था, अक्षय यादव का वो हत्याकांड हो गया। यहां तक ठीक है कि हो सकता है कि जी फ्रीज हो गए। देव जी हैं हमारे साथ। खरे सर, फिर आपसे आपके पास फिर आना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे जो बाल सुधार गृह में जो जाते हैं उसके लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो एफर्ट किया जाता है, आपने कहा मनोचिकित्सक भी भेजे जाते हैं, लेकिन आपको आपको लगता है सर कि इस पर और भी तवज्जो देने की जरूरत है? शायद हमारे या सरकार के एजेंडा में या समाज के एजेंडा में भी वो उतना प्रायोरिटी पे नहीं है। कोई बच्चा यदि गलती से भी अपराध के उस गली में चला गया हो तो फिर वो उधर ही, उसको वापस लाने के लिए जितने एफर्ट होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि सब कर पाते हैं? नहीं, इसमें आवश्यकता है। बाल सुधार गृह में सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको हर तरह से स्नेह भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, और कुछ रोजगार सिखाने के भी कुछ उपाय होना चाहिए, ताकि वो वहां से निकले। जैसे बड़ी जेल में कुछ काम वाम सिखाते हैं कैदियों को, तो बाल सुधार गृह में भी छोटे मोटे काम सिखा सकते हैं, ताकि वो अपने समाज में मुख्य धारा में आ सके। हम आपसे सहमत हैं, थोड़ा बहुत आवश्यकता है बाल सुधार गृह की, जो आपने बताया 50% तो सुधर जाते हैं या अपने मूड मुख्य धारा उसमें आ जाते हैं, 50% थोड़ा बिगड़ भी जाते हैं। जी और उसके कारण जो वहाँ का जो प्रभारी रहते हैं और जो मैनेजमेंट रहता है बहुत कम रहता है, उनको इस तरह से बंद करके रखा जाता है बाल सुधार गृह में, कि मैं एज ए पुलिस अफसर भी मिलना चाह कोई जाते हैं तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए, बड़ी फॉर्मेलिटी, बड़ा भारी, मतलब उनको बहुत ज्यादा महसूस होती घुटन सी। हमें भी कभी जैसे मौका पड़ा, कभी गवाहों के बयान लेने के लिए बाल सुधार गृह में मैं गया था एक बार विदिशा, इतनी फॉर्मेलिटी मुझे करना पड़ती, जबकि एज ए सीएसपी था मैं उस समय भोपाल में,
कुछ है वहाँ की कुछ जो बाल सुधार गृह के जो संरक्षक और प्रबंधक रहते हैं वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोल अति करते हैं, जो भागते इसी कारण है, बहुत ज्यादा उनमें शक्ति के नाम पर ज्यादा थोड़ा सा कहना तो चाहिए अन्याय भी करते हैं, जो बहुत ज्यादा उनको मानवीय दृष्टिकोण से उनको स्नेह प्रेम और काउंसलिंग की आवश्यकता रहती है बच्चों को, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। मैं इससे सहमत हूँ आपसे कि सरकार इस ओर ध्यान देगी, वो इस घटना के बाद शायद संभवतः सरकार हो सकता है कुछ नए रूल्स जी बनाए नियम बनाए। जी सर, खड़े साहब मैं आपके पास आऊंगा अब, क्योंकि उस चार दीवारी के अंदर क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, चाहे बाल सुधार गृह हो चाहे महिला सुधार गृह, और इसलिए हम बार बार खबरें देखते हैं कि लोग वहां से भाग जाते हैं। सर मैं आपके पास आता हूँ, फिरोज जी से हमारा संपर्क फिर हो गया। जी फिरोज जी, आप अपनी बात पूरी करें। लेकिन ये बड़ा मानवीय एक इस अपराध का एक मानवीय पहलू भी है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण की हमको बू आती है, इसलिए आती है कि सरे रहा, एक तो गोली मारी गई, गोली मारने के बाद जो आरोपी पकड़े गए वो पकड़े तो सुधार गृह में रखे गए, वो सुधार गृह में से फरार हो गए। अब जब वो फरार हो गए उसके बाद गवाहों को धमकाया जा रहा है, और धमकाया भी ऐसे जा रहा है कि सरे रहा गोली चलाई जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं ये अंतर है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। पुलिस कैसे इतनी अक्षम है कि किसी की सरेरा मौत हो, सरेरा हत्या हो, उसके बाद उसके आरोपी फरार हो जाए, और उसके बाद जो गवाह हैं उनको डराया जाए, धमकाया जाए, और उनकी बेल एप्लीकेशन पे जो आपत्ति ली जा रही है उसको भी लेकर गवाहों को डराया जा रहा है, जो चश्मदीद गवाह है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है डे टू डे हियरिंग नहीं करा रही। सरकार को चाहिए कि इसकी डे टू डे हियरिंग कराए और केस को खत्म कर दे, लेकिन इसकी डे टू डे हियरिंग नहीं हो रही जो प्रोसिक्यूशन को कराना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर इतने हौसले बुलंद रहेंगे कि एक तो बालिकाएं जो हैं, महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं है, सरेरा उनकी हत्या हो रही है, बलात्कार गैंगरेप्स हो रहे हैं, और तमाम जितनी भी मैंने जो इससे पहले कहा था वो हो रहा है, तो सरकार और पुलिस कहाँ है। नंबर तीन बात, मतलब इंसाफ लेना भी आज महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में दूभर हो गया है कि एक महिला जो है वो इंसाफ भी नहीं ले सकती, इसकी ये स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश में। तो इसमें तो सीधे सीधे सरकार कटघरे में है और सरकार जवाब देने हम, से बच हम रही कोशिश है। करेंगे कि बीजेपी से भी जुड़े। जी फिरोज जी आता हूँ आपके साथ। देव जी हमारे जुड़ गए हैं, हमारे बहुत ही सीनियर हैं, हमारे सहयोगी। देव जी आपका स्वागत है। आप वहां पर भी गए थे जहाँ गोली चली, वहां भी आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, आपने सब दिखाया भी, आपने बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की। अब ये घटना होती है 10 जुलाई को 2023 को, और जो आरोपी है वो 25 जनवरी से फरार है, आज 27 तारीख हो गया, महीना भर से ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन आपके शहर में किस बात इस किस तरह की चर्चा हो रही है, मैं वो जानना चाहता हूँ। जहाँ पे चाय दुकान पे लोग बैठते हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बाबा, ये यहाँ सबसे बड़ी चर्चा तो भय और दहशत की है इस समय, क्योंकि ये जो भले ही बाल अपराधी हैं ये दोनों, लेकिन इसी का फायदा उनको मिला कि उनको जेल में भेजने की जगह वो बाल सुधार गृह में चले गए, और वहाँ जैसी की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, एक होमगार्ड का कर्मचारी रहता है, एक कुक रहता है और एक चपरासी रहता है, और वो दीवार फांद के निकल गए। और इतने कुख्यात हैं ये कि ये मुरैना में भी पहले वारदातें कर चुके हैं, मर्डर कर चुके हैं। उम्र के आंकड़े को छोड़ दिया जाए तो अगर हम कहेंगे तो ये एक खतरनाक किस्म के अपराधी हैं, और अब इनके बाहर हो जाने के बाद से न केवल अक्षया का परिवार, न केवल उसकी सहेली का परिवार जिस पर आज हमला किया गया, बल्कि पूरा इलाका ग्वालियर जो शहर है उसका एक पूरा हिस्सा, जिसको ग्वालियर दक्षिण इलाका बोलते हैं लश्कर, वो पूरा का पूरा दहशत में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबको चिंता इस बात की है कि इतने छोटे अपराधी, जो कोई बड़े, यहाँ तो चंबल आप जानते हैं बाबा के डकैत बड़े बड़े गिरोह रहे हैं, जिनकी जिनके पास बड़ा एमुनेशन होता था, बड़ा नेटवर्क होता था, वो भी गिरफ्तार होते हैं, वो भी इनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन इतने छोटे अपराधियों पर भी पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लगातार ये लोग जिस दिन से फरार हुए हैं, ये जुलाई में फरार हुए थे 10 जुलाई को, और इसके बाद इन्होंने
अगस्त में धमकी दी इसी महिला को जिसके पर हमला किया गया, और इसके बाद जो है इनको गार्ड लगाया गया इन दोनों के परिवारों में। और अभी आज भी जैसा कि हमने आपको सब दर्शकों को सुनाया भी उस महिला का एक्सक्लूसिव बाइट, जिसमें वो बोल रही है कि उनका यही कहना था कि एक कल मामला है और एक जो है शनिवार को था, तो वो हम उसमें इनकी बेल एप्लीकेशन जो लगी हुई है, जो और चार लोग बंद हैं उनकी बेल एप्लीकेशन पर विरोध ना करें और अपनी गवाही पलट दें, नहीं तो हम तुमको तुम्हारा जो हश्र होगा वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह सरे रहा, और वो भी SAF मैदान में। आप देखिए कि जहां जो घटना हुई बाबा, वहां 3 SAF के बटालियन रहती है, 3 बटालियन का हेड ऑफिस है, उसके बीच कैंपस में से पतली गली है और उस गली में ये घटना होती है। तो अपराधियों का दुस्साहस और पुलिस की नाकामी ही कहेंगे, ये दोनों परिलक्षित करती है। और अभी तो सिर्फ भय का माहौल है जी। देव जी मैं आपके पास आता हूं, हमें बताया जा रहा कि राजेंद्र भारती जी भी BJP से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, ये सनसनीखेज मामला हुआ था जब ये पहली बार जब हुआ था जुलाई में 2023 में, अब जो है फरार अपराधी गोली चला के भाग जाता है, वो चाहता है कि जो गवाही दी जा रही है उसके खिलाफ उसके बेल को वो उसको जो बाकी 4 बंद है उसको अपोज न किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपराधी कितना ही बड़ा हो, कानून से बढ़ के तो कहीं आज तक मैं नहीं समझता कि उसके मैं पैर लंबे हों, और घटना निश्चित रूप से पूरे समाज को झकझोरने वाली है। और एक खास तो महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में उस विकृति को जन्म जो है, जिस तेजी से अपराध की वो श्रेणी जो बाल अवस्था है जिसमें संस्कारों के आधार पे एक नए संस्कारों का जन्म होना है और जिससे बच्चों के एक अच्छे वातावरण के साथ में नए देश में नई उम्र के लोगों का जुड़ाव होकर के निर्माण में उनकी भूमिका होना है, ऐसी मनस्थिति के आधार पे जिन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि बनती है, तो पहले प्रथम दृष्टा शासन प्रशासन और समाज और उस विसंगतियों को जो जन्म दे रहे हैं और जो प्रश्रय कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ में भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और होगी ही, इसमें तो कोई दोराय नहीं। होता है कई बार परिस्थितियां निर्मित होती है, देखते हैं कि कुछ चीजें समय के साथ में नहीं होकर के बिखर जाती, लेकिन बहुत जल्द इसका निराकरण होगा ऐसा हमारा मानना है। तो राजेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसका एक और पहलू है कि वो अपराधी जो है वो माइनर है, उसको बाल सुधार गृह में रखा गया था और वहां से फरार है, तो बाल सुधार गृह की स्थिति भी है, वो भी एक जो है दायरे में आता है कि वहां पर भी सरकारों को फोकस करने की जरूरत है। वहां पर एक होमगार्ड का जवान आदमी होता है, एक कुक होता है, एक चपरासी होता है, और ये अपराधी जो है वो दीवार फांद के भाग जाते हैं, तो वहां भी एक तवज्जो देने की जरूरत है। निश्चित रूप से, क्योंकि जब जिसकी मानसिकता अपराध से पूर्ण रूपे न प्रशिक्षित कह सकते हैं कम उम्र के दरमियान में, इसका अपराध का दायरा और उसका सोच जब बढ़ जाता है तो इन विसंगतियों को जन्म होना स्वाभाविक है। बाल अपराध में घटनाओं को अकस्मात जन्म वाली स्थितियों को लेकर के उस बाल मानस को परिवर्तित करने का एक शासन का और सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने की प्रक्रिया है, कानून के आधार पर उसको कैसे उसको सुधारा जाए। लेकिन इसके बीच में जो दुर्दांत चरित्र वाले गलत तरीके से जिनके मानस जो है अपराध की प्रवृत्ति में बढ़ जाती है, उस दृष्टिकोण से उन पर ध्यान विशेष रखने की आवश्यकता है और जो शिथिलता है वहां पर भी सुधारने की गुंजाइश पूरी है। खरे सर एक लास्ट कमेंट चाहिए आपका कि ये अपराध जो आज जो हुआ है वो तो उन महिलाओं के साथ को आप क्या कहेंगे जो स्कूटी से जा रही थी, उनको गोली चलाया, उनको डराने की कोशिश की, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी कह रहे थे कि दहशत का माहौल जाहिर है होगा ही क्योंकि गोली के वो जो है खाली सेल भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनको और क्या कहेंगे आप पुलिस प्रशासन को और साथ में बाल सुधार गिरी वालों को? अपराधी अपना काम करते हैं दहशत फैला के, तो जब कोर्ट में केस जाता है तो उनका सजा का उनको डर रहता है, तो गवाहों को डराना और जमानत पे छूटने के बाद तो बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। सामान्यतः जो पुलिस का जो काम वहां चल रहा है मेरे विचार से वो सही चल रहे हैं, उनकी टीमें गई हैं, वो कल परसों तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे समाचार इसी चैनल पे आप देंगे कि अपराधी मिल गए,
बाल सुधार गृह के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां जितनी ढंग से केयर करना चाहिए बच्चों की, उतनी केयर होती नहीं है। चलिए, खरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े NDTV इंडिया पर, अपना वक्त निकाला, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था कि अक्षया को कब मिलेगा इंसाफ, टारगेट पे है वहाँ के गवाह। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी और जो अपराधी फरार हैं, अभी गोली चला रहे हैं, दरार धमका रहे हैं कि वो परिवार वाले गवाही ना दे, उनको खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। तो आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।